हम तो ये बना रहे हैं आज, फलूदा मांगू। 200 ml पानी है ना? नहीं, पहले दूध में डाल के मिलाना है। 1 लीटर दूध में 200 ml पानी डाल के उबालेंगे। मम्मी इसको यूज नहीं करती हैं, मम्मी अंदाजा करती हैं। ये 1 लीटर दूध है, तो मम्मी ने अंदाजा मार लिया है। अब इसको उबलने देते हैं। ऑन करके मत छोड़ना। तो ये डाल दिया, ये उबल तो पैकेट है। का ये फलूदा बन जा रहा है। तो कल आइसक्रीम के साथ में इस फलूदे को कल नहीं सबको खाना आज रात में इसको ठंडा करेंगे। अभी ये ठंडा होगा, फ्रिज में रखा जाएगा, एकदम चिल्ड हो जाएगा, तो कल आइसक्रीम के साथ ही खाया जाएगा। देखते हैं कैसा बनता है फलूदा मिक्स मैंगो फ्लेवर का है। ये मैं पहली बार बना रही हूँ घर पे। इस तरीके से देखिए, इसमें रखा गया है फलूदा, ऊपर आइसक्रीम, उसी तरीके से हमें बनाना है। एक चीज बोलूँ मम्मी? हाँ, आइसक्रीम खत्म है। आइसक्रीम आ जाएगा, आइसक्रीम पे क्या है। चलो उबल जाने दो थोड़ी देर, फिर इसके बाद इसको ठंडा करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, जरूर बताइएगा। 2 दिन बारिश के बाद आज अच्छी धूप हो रखी है। मैं जो है अभी चल रही हूँ, सुबह सुबह चल रही हूँ अभी उपमा बनाने के लिए। तो चलिए, नाश्ते में उपमा बनाऊंगी फिर खाना। तो चलिए बना के फिर मिलती हूँ। हाँ, बना रही हूँ उपमा, अभी अभी बस छौंक के गई हूँ, अभी उबाल आने वाला है, इसको चलाना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। पिज्जा ऑर्डर किया था या इस बार मैंने पिज्जा हट से, बहुत देर में इसकी डिलीवरी आई है, ठंडा हो गया है। जो पेप्सी आई थी इसके साथ फ्री, मम्मी ने डिलीवरी अंकल को दे दिया और 10 रुपए और दे दिया उनको एज अ टिप। ये दो पिज्जा हैं, दोनों लोग खा के देखो कैसा है। ठंडा हो गया तो गर्म कर लो, बताओ खा के तो चक के गर्म हुए ना। चलो मस्त है, बहुत दिन बाद ऑर्डर किया गया ना। हाँ। तो खाने में आज मैंने बना दिया है, रोटी है इसमें रखा है, अरे और चिपक गया है ये दाल, इतनी सी बची है, बीमो ने खा लिया है, गुड्डा का भी खाना बाकी है। और यहाँ पे ये लौकी और उसका भुरता है। यहाँ साफ सफाई हो गई है, सारा काम हो गया है, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर जाऊँगी योगा। आपको बता दूँ, कल जो हमने शाम को फलूदा बनाया था भाई, मुझे तो बिल्कुल भी टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगा, वो आर्टिफिशियल जैसा टेस्ट, दवा जैसा टेस्ट लग रहा था, मैंने फेंक दिया, सब फेंक दिया, फेंकवा दिया, मैंने कहा नहीं। अब वही चीज़ सेम मैंने शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ में, सेवई के साथ में मैंगो फ्लेवर पुडिंग बनाई थी मैंने, इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी और इतना अच्छा लगा कि अच्छा रिफ्रेशिंग बना था, मन एकदम खुश हो गया था। तो वो आप लोग ज़रूर देखना, शॉर्ट्स में भी है और लॉन्ग वीडियो में भी है। तो यहाँ पे मैं अभी शाम को बना रही हूँ, इधर पूड़ियाँ, अरबी की सब्जी और इधर आम की चटनी। आम की चटनी को शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, लॉन्ग वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया है। ये मस्त चटनी बन रही है, इधर हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं, बना रही हूँ अभी। अभी अभी बस पूजा करके आई हूँ, तो मैंने कहा कि आज बिबू को, बिबू को पूड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मैंने कहा लाओ आज बिबू के लिए पूड़ी बना देती हूँ, और ये आम की चटनी के साथ बहुत अच्छा भी लगता है, तो मैंने कहा लाओ आज बना ही देती हूँ, बिबू को पसंद आता है।